नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। दुनिया की गंभीर समस्याओं में प्रमुख है तंबाकू और उससे जुड़े नशीले पदार्थों का सेवन। भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 35% से अधिक वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं। 30% से अधिक वर्ग जो कि 15 वर्ष से ऊपर हैं किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं, पी जाते हैं। ऐसे में देश कैसे आदर्श हो सकता है, कैसे स्वस्थ हो सकता है और कैसे प्रगतिशील हो सकता है। विश्व भर में तंबाकू का सेवन रोकने या नशे की विकृति को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जो कि कल हमने मनाया। तंबाकू से होने वाली हानियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के अभियान में कई वैश्विक संगठन, सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन और सरकारें जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन ये दिवस शायद आयोजन ही है। सरकार नशाबंदी का नारा देती है और नशे की बुराइयों से लोगों को आगाह भी करती है। दूसरी ओर तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ा रही है। राजस्व प्राप्ति के लिए जनता की जिंदगी से खेलना क्या किसी लोक कल्याणकारी सरकार का काम होना चाहिए? अगर यही प्रवृत्ति रही तो सरकार को सेना और समाज के ऊंचे पदों के लिए शरीर और दिमाग से स्वस्थ व्यक्ति नहीं मिलेंगे। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण हम एक बीमार राष्ट्र और समाज का भी निर्माण कर रहे हैं। इन्हीं पर विचार विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच में रहेंगे डॉक्टर आशुतोष दुबे, जो कि CMS हैं सिविल हॉस्पिटल में और सामाजिक कार्यकर्ता, नशा उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं रमेश भैया। और साथ में रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजोग वाल्टर, जो कि एक पत्रकार होने के साथ साथ खुद इस बीमारी तंबाकू से पीड़ित हैं। उन्हें कैंसर हुआ और वो कैंसर से जूझ कर आज यहाँ पे हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आज तो सर मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि जैसा कि तंबाकू है, सब जानते हैं, किन क्या क्या बीमारियां इससे होती हैं, लोग जानते हुए भी इसको फिर भी सेवन कर रहे हैं? देखिए, अगर तंबाकू कहा जाए कि बीमारी की बात, तो पूरी तरह से एक तरह से कहिए तंबाकू जो होता है एक बीमारी का पूरा समूह होता जी है। अगर हम शरीर में कहां कहां तंबाकू का दुष्प्रभाव होता है इस पर चर्चा करते हैं तो पूरा समय इसी पर बीत जाएगा, लेकिन हम संक्षेप में बात अगर करते हैं तो तंबाकू शरीर के सभी अंगों पर, सभी कोशिकाओं पर अपना प्रभाव डालता है। अगर मोटे तौर पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बाल से शुरुआत करते हैं। तंबाकू पीने वालों का, तंबाकू खाने वालों का बाल जल्दी पकने लगता है, बाल जल्दी झड़ने लगता है। त्वचा पर अगर आते हैं तो उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, उनकी त्वचा की चमक खत्म हो जाती है, त्वचा से जो सिक्रीशंस होते हैं वो कम होने लगते हैं और त्वचा उनकी ड्राई और तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। फिर इसके बाद जो है नेत्रों में भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद से प्रमुख रूप से तंबाकू का जो दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे फेफड़े पर पड़ता है, हमारे मुख पर पड़ता है। तो तंबाकू का जो लोग कहते हैं कि खाते हैं या तंबाकू पीते हैं, तो उनको अगर एक तरह से देखा जाए तो होंठ से शुरुआत अगर हम करते हैं तो होंठ का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, जबान का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। कैंसर की पूरी एक फहरिस्त है जो तंबाकू की वजह से होती है। इसी तरह से सांस की बीमारियों में जो हम लोग धुआं अंदर ले जाते हैं उसकी वजह से जो हमें ब्रांकाइटिस, क्रॉनिक ब्रांकाइटिस, COPD होती है और अंतिम स्टेज में हम लोग रेस्पिरेटरी फेलियर में जाते हैं जहां हम लोग मौत के आगोश में पहुंच जाते हैं जी। फिर इसके बाद जो है अगर हमारे पास होता है पेट में होता है, हमें अल्सर की शिकायत हो जाती है, लगातार पेट में जलन होती, डकारें आती हैं, इस तरह होती हैं। फिर हमें लीवर में प्रॉब्लम आती है, आंतों में हमारे हो जाती है तकलीफ जी, हमारे किडनी खराब होने लगती है, किडनी में शिकायत होती है। और इसके साथ साथ जो होता है कि हमारे जो जोड़ खराब हो जाते हैं, हमारी बोन खराब होने लगती हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, महिलाओं में भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर ये सारी बीमारियों के साथ साथ उनमें महिला जनित जो रोग होते हैं, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि तंबाकू का सेवन करने वाला व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, उनमें प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, उनमें इस तरह की दिक्कतें हैं। दूसरा इसके बाद जो है उनमें यूरोजेनाइटल सिस्टम उनका जो होता है, बच्चेदानी का कैंसर जो होता है, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा होते हैं, खास करके उसमें गर्भधारण नहीं होता। गर्भधारण अगर होता है तो बच्चों जो पैदा होते हैं वो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और दूसरे अगर जो होते हैं कि वो जो है उनके गर्भपात हो जाया करता है जी। इसी तरह से तमाम सारी तरह के अनमानसिक होते हैं, प्रश्न होते हैं, और तंबाकू का सेवन करने वाले के लोगों में जो होती है शरीर की जो होती है प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के अन्य संक्रमण होने की संभावना अत्यधिक रहती है। ये सब
सारी भी एक पूरी बहुत ही लंबी लिस्ट होती है, तंबाकू काफी नुकसानदायक, यानी जानलेवा है। रमेश भैया आपसे जानना चाहेंगे, आप नशा उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, लखनऊ को तंबाकू मुक्त बनाने की ओर दिशा में भी काफी आपने प्रयास किए हैं, क्या लगता है कि हम किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं? ये जो जिस तरह से तंबाकू सेवन या फिर जो लत लग रही है लोगों में, ये किस तरह इशारा करती है या किस ओर हम जा रहे हैं, आप किसे देखते हैं इसको? समाज में तंबाकू का प्रचलन काफी पहले से है जी। पहले तो लोग अतिथि सत्कार में तक लोगों को तंबाकू की चीजें दिया करते थे, लेकिन लोगों को इसका जो खाने के बाद उनके काफी हानिकारक सिद्ध हुआ और उससे वो काफी कुछ होता जा रहा है, कम जैसा लग रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो बच्चों और युवाओं को लेकर है, जो समाज में सबसे ज्यादा हर परिवार को आगे भविष्य में आने में परेशान करेगी। बच्चे की जो तंबाकू की शुरुआत होती है या इस प्रकार के किसी भी लत की शुरुआत होती है, वो या तो परिवार में वो सीखता है या पड़ोसी से सीखता है या फिर पाठशाला में सीखता ठीक है। अगर उसके परिवार में तंबाकू का प्रयोग होता है तो वो शौक शौक में सीख जाएगा, अगर वो पड़ोसी से देखता है करता है तो वहां सीख जाता है, पाठशाला में भी बच्चा सीखता है। लेकिन अगर इन तीनों स्थानों पर जागरूकता की जाए और इसके दुष्प्रभावों को हानियों को बताया जाए तो निश्चित रूप से एक वो जो जिस भारत की हम कल्पना करते हैं वो निश्चित रूप से हमें बच्चों से जो आगे आएंगे जो भविष्य के हमारे वो हैं उनमें अगर हम तंबाकू की लत को खत्म कर सकें तो एक आगे का जो भविष्य का भारत है वो अच्छा देखने को एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर दुबे, ये समझें कि जैसा कि एक साइकोलॉजी है, मुझे लगता है कि जो तंबाकू है या फिर दूसरे जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन क्या लग ये ऐसा होता है कि या कि एडिक्ट होता है आदमी या फिर उसकी एक मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हाँ उसे चाहिए ही? देखिए, तंबाकू का जो लोग सेवन करते हैं उसमें एक पदार्थ होता है निकोटीन। निकोटीन जो होता है ये आसक्त बना देता है, इसी तरह से हमारे दिमाग में जब तंबाकू का सेवन किया जाता है तो निकोटीन जो होती है वो एस्टेलकोलिन का सिक्रीशन अधिक कर देती है। अच्छा। जिसमें एक क्षणिक जो होती है थोड़ी देर के लिए व्यक्ति में उग्रता आती है, अलर्टनेस आती है। तो लोग कहते हैं कि तंबाकू को सेवन करने वाले जितने भी लोग होते हैं सब ये कहते हैं कि साहब तंबाकू खाने से मैं जग लेता हूं, मुझे रात भर काम करना पड़ता है इसलिए मैं तंबाकू खाता हूं। तो ये लेकिन बाद में यही लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं, इसीलिए तंबाकू का एक दुष्प्रभाव अवसाद भी होता है। तो ये होता है और यही जो होती है तलब का कारण होता है। तो इसको जो लोग तंबाकू का रिप करते हैं उनमें इस तरह का जो होता है निकोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो होता है उसकी वजह से लोगों में उसके प्रति तंबाकू या तंबाकू के उत्पाद के प्रति आसक्त पैदा होती है और यही आसक्त जो होती है उनको इसका आदि बना देता है और इसी की वजह से उनमें शरीर में तमाम तरह के दुष्प्रभाव बाद में आने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां उन्हें ग्रसित करती है। जी जी। तो क्या बचाव उससे हो सकता है या अवेयरनेस ही इसका ही बचाव सिर्फ? देखिए, तंबाकू इसको तो कहते हैं कि सबसे पहले बचाव का तो तरीका यह है कि हमें दुष्प्रभाव के बारे में पता हो कि लुभा हुआ करते थे कि फला आदमी वो सिगरेट पीता है, फला आदमी इस तरह की तंबाकू खाता है, उसका हुक्का इतना बड़ा है, हुक्का एक तरह से कहा जाता है ना हुक्का पानी छोड़ देता है, यहां तक की बातें हमारी संस्कृत में शामिल हो गया था। तो इसका सिर्फ यह था कि हम इसका दुष्परिणाम लोगों को बारे में नहीं पता था। लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा हम मेडिकल एजुकेशन देंगे, जैसा उनको शिक्षित करेंगे और इसके दुष्प्रभाव के बारे में एक हमें जन आंदोलन चलाना पड़ेगा, हर घर में हर बच्चे को बताना पड़ेगा। जैसा कि अभी रमेश भैया जी ने कहा कि बच्चा सीखता कहां से है, मैं ये बताता हूं कि तंबाकू, जैसे अगर मैं तंबाकू खाता हूं तो मैं तंबाकू किससे मंगाऊंगा, अपने बच्चे से मंगाता हूं। बच्चा तंबाकू लाता है और बच्चे को, मजे की बात जानते हैं क्या होता है, तंबाकू बच्चे को नहीं खाने देते हैं, बीड़ी हम बच्चे से मंगाएंगे और बच्चे को हम मना करेंगे, तो बच्चा हमारे पीने के बाद जो मैं बीड़ी फेंक देता हूं उस बीड़ी को उठा के पीता है, जिस पाउच को मैं फेंक देता हूं उस पाउच को उठा करके मेरी ही तरफ फाड़ता है और करता है और फिर उसी तरह से मुंह से फूंक करके मसाला निकालता है, इसी तरह करता है। इसके बाद उसका रोल मॉडल क्या होता है, बच्चे का कोई रोल मॉडल उसका पिता होता है, उसका टीचर होता है या समाज के संभ्रांत व्यक्ति होते हैं। मैं इसलिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा, सरकार ने जो है टीवी चैनलों पर या पिक्चरों में धूम्रपान निषेध का वो कर दिया, अब इस पर इसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है, अगर प्रदर्शन किया जाता तो उस पर कैप्शन आता है कि ये नुकसानदायक होता है। तो बच्चे वहां से सीखते हैं और जब इस तरह से सीख लेते हैं और जब वो शुरू से देख लिए कि हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी, हमारे रोल मॉडल, हमारा नेता या हमारा अभिनेता अगर ये लेता है और ये इतना बड़ा आदमी है ये है, तो वो इस बात को समझ के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जो उनकी
कहते हैं पढ़ने की उम्र होती है, घर कर जाती है कि सिगरेट पीने से आदमी अलर्ट रहता है, काम ज्यादा करता है और बड़ा आदमी बनता है। ये विचार जब बच्चे के मन में आ जाता है तो वो उसका आदि बन जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 15 वर्ष तक के बच्चे हो जाते हैं, एक आंकड़ा ये भी है कि 15 वर्ष तक के जितने बच्चे, हर तीसरा बच्चा जो है तंबाकू या तंबाकू का सेवन करने का आदि हो चुका है। तो वो हम ही लोगों से सीखता है, इसमें हम सबको बनाना है। जहां तक रही बात छुड़ाने की बातें जो हम लोग करते हैं, उसमें बेसिकली साइकोथेरेपी होती है, उसको बच्चे को बुला करके बच्चे समझाया जाता है, समाज के हर व्यक्ति को किया जाता है। इसमें आप लोगों की पहल भी अत्यंत सराहनीय होती है, जो अमुक व्यक्ति को इससे पीड़ित रहा है ये प्रमाणित करते हैं। और इस तरह से बाद में सरकार जो है, हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, एनसीडी कार्यक्रम चलता है, जिसमें जो होता है लोगों को, जो लोग छोड़ना चाहते हैं शुरू में जो आदि होते हैं, तो भाई उनको निकोटीन की मुफ्त में टैबलेट दी जाती है। और हर जिला अस्पताल में इसका एक सेंटर बना हुआ है, जहां पर एक काउंसलर होता है जो साइकोथेरेपी करता है, उनको इसके दुष्परिणाम बताता है और छोड़ने की आदत के लिए उनको प्रभावित करता है और उनको निकोटीन की टैबलेट देता है कि सिगरेट ना पी करके ये करें। सिगरेट के साथ साथ जो है सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है, या धूम्रपान के साथ जो होता है जुड़ा होता है, एक पैसिव स्मोकिंग एक शब्द होता है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये होता है कि मैं अपनी भाषा में कहता हूं, करे कोई भरे कोई। जैसे अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं यहां पर, तो उसका केवल 30% धुआं मैं अपने अंदर ले जाता हूं, 70% धुआं हमारे इस पूरे वातावरण में फैलता है। यहां पर जितने लोग हैं वो लोग उससे प्रमाणित हो जा प्रभावित होते हैं। तो इसलिए निकोटीन की टैबलेट इसलिए दी जाती है, कम से कम हम तो सांस ले सकें, अगर आप पी रहे हो तो हम तो ना प्रभावित हों। तो इसलिए जो होता है एनसीडी कार्यक्रम के तहत जो है टैबलेट दी जाती है लोगों को प्रमाण। लेकिन जब तक अमुक व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप इसका नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि नियम बना देने से, कानून बना देने से ये सब आदतें छूटती नहीं है। इसमें हमें चाहिए एक उचित मार्गदर्शन, रमेश भैया जैसा पथ प्रदर्शक चाहिए, जो हर गली नुक्कड़ हर जगह अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं मरीज देखते हुए, तो हमको तुरंत टोंक दे कि आप सिगरेट पी रहे हैं, गलत पी रहे हैं, आपकी ओपीडी में 200 मरीज हैं, वो सब आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको इसका नहीं करना है। तो इस तरह से जब एक इसे हम लोग जन आंदोलन चलाएंगे, हर व्यक्ति इसको दुष्प्रभावित करेगा, कहेगा कि इसको पीने से नुकसान होता है, खास करके जो लोग इसमें, वो लोग अच्छा हमारा प्रचार कर सकते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित रह चुके हैं, जिनको मुंह का कैंसर हो गया है, जिनको फेफड़े का कैंसर हो गया है, जिनको जो है पेरिफेरल वैस्कुलर न्यूरोपैथी हो गई है। इसमें एक होता है इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन होता है, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, कुछ दूर चलते हैं तो उसके बाद उनके पैर में क्रैम्प्स होने लगता है, वो बैठ जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने लगती, जो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर इस तरह के लोग हमारे साथ चलें, हम लोग जो है, रमेश भैया से मैं यही सलाह करता हूं, जब हम लोग मिलते हैं तो ये कहते हैं कि इस तरह के जो लोग समाज में जो तंबाकू का प्रयोग छोड़ चुके हैं, उनको आप समाज में आगे रखिए, हमेशा मंच पर आगे बैठाइए, वो दिखावे कि देखिए मेरी सांस फूलती थी, सांस फूल रही, अब मैं लाइलाज हो गया हूं, मुझे मुख का कैंसर हो गया, मेरे गले का कैंसर हो गया है, मेरी जबान का कैंसर हो गया है। तो जब इसको देखेंगे तब आदमी छोड़ेगा, वरना कानून के भय से या सरकार के डर से कोई नहीं छोड़ेगा। इच्छा शक्ति की जरूरत है। संजोग हमारे साथ हैं, संजोग खुद एक कैंसर पीड़ित रहे हैं इसी के ही। संजोग, किस तरह से दिए आपको, किस तरह से ये आदत लगी और आपने इसको सर्वाइव किया, आप कैंसर रहे, कैंसर पीड़ित रहे, किस तरह से आप इसको निकल के आए और क्या दिक्कतें उसके बाद आपने फेस की या आपके परिवार ने फेस की, क्या लॉसेस रहे, हमारे दर्शकों को देखिए। एक शानदार करियर था, मुझे होलने में दिक्कत हो रही है जी। एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो टेलीविजन का आदमी था उसको आज होलने में दिक्कत हो रही है, तो मेरा शानदार करियर वो खत्म हो गया। उसके अलावा मैं पिछले 3 साल से अस्पताल के चक्कर लगा रहा हूँ, 3 साल इलाज कराते कराते, जांच कराते, 2 ऑपरेशन मेरे हुए हैं। अगर मैंने लोगों की सलाह पहले ही मान ली होती तो ये दिन मेरी जिंदगी में नहीं आता, कभी मेरी जिंदगी में ये दिन नहीं आता। मैं इसको हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि तंबाकू का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। एक आप तो मरीज हैं, उसके अलावा आपका परिवार अस्पताल में जाके जो
डॉक्टर साहब यहाँ बैठे माफ करेंगे कि अस्पताल में जो कर्मचारी हैं उनका बिहेवियर मरीज और तीमारदार के साथ अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से इलाज की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों का रवैया मरीज के साथ कतई अच्छा नहीं है। नहीं संजोग, ये थोड़ा सा विषयांतर होगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि नहीं, जैसे कि पीड़ित है और उसके बाद जाहिर सी बात है कि हम आपको देखते रहे, आप हमसे वरिष्ठ भी रहे, आपकी पत्रकारिता हमने देखी है, आप मसाला ज्यादा खाते थे और आपको शायद हमने भी टोका है कई बार और लोग भी टोकते थे, तो ये एक क्या एक मनोदशा होती थी कि ठीक है हाँ उस समय तो रोक देते थे आप, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाता था, या फिर जब हम देखते थे कि दूर से आप खा रहे हैं और बराबर आपका मुंह चला, तो क्या बहुत अच्छी एक बात ये बताई है जी, तो मुझको ये लगता है कि तंबाकू अगर मैं खा रहा हूँ तो मुझे थॉट बहुत अच्छे आएंगे और एक्टिव ज्यादा रहूंगा, तो मैं मसाले की फुड़िया को जहर को अपने मुंह में रख लिया करता था, तो वो धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई, तो मुझे रात भर काम करना होता था तो मैं मसाले के सहारे, क्योंकि थूकना है, चलना है, जाना है, कान वगले को ढूंढना है, सुबह के 3-4 बजे आराम तक कर लेता था, लेकिन उसकी सजा मुझको ऐसी मिलेगी मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था। डॉक्टर साहब, जैसे कि संजोग बता रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि हाँ मैंने सुना है कि नशा करने से शायद क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, क्या ऐसा होता है? नहीं, आदमी जो होता है इसमें थोड़ा सा अवसादग्रस्त हो जाता है, जो तंबाकू का एडिक्ट हो जाता है, निकोटीन का ये दुष्प्रभाव होता है, निकोटीन की वजह से जो होते हैं माउथ इनहिबिटर्स होते हैं और इस तरह से हमारे ब्रेन में थोड़ी देर के लिए अलर्टनेस आ जाती है फॉर द टाइम बीइंग, और उसी का प्रयोग करके हमारे जो लोग जो भाई लोग सेवन करते हैं कि जैसा अभी वाल्टर साहब ने बताया कि उसका जो क्षणिक प्रभाव होता है जी, उसका प्रयोग करके ये लोग करते हैं, जैसे भी इनको मना किया जाता है, जैसे आपने बताया कि आप मना करते थे, तो इनके मन में एक आत्मग्लान, जब आपको ये देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये अपना चेहरा छिपाते रहेंगे, आपसे दूर हट जाते रहेंगे, आदमी में थिंकिंग शक्ति रहती है, लेकिन वो जो एक कहते हैं कि वो टाइम बींग के लिए अलर्टनेस होती है, उस अलर्टनेस के लोग आदि हो जाते हैं और इसी वजह से लोग इसको जो है हमेशा लिया करते हैं। ठीक है रमेश भैया, आप अभियान चला रहे हैं तो क्या लगता है कि जैसे कि अपने बच्चों की बात, डॉक्टर साहब ने भी बच्चों की बात कही कि बच्चे तेजी से इस ओर बढ़ रहे हैं, कैसे रोका जाए इनको, अवेयरनेस की जरूरत है, वरना मैंने तो ये देखा है कि बच्चों में एक बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, अगर किसी ने भी देखा कि हाँ उसके फादर हैं या फिर कोई और है सिगरेट ऐसे पीते हैं या तम्बाकू ऐसे खाते हैं, तो वो खेल खेल में ही उस चीज़ के आदी होते हैं, तो क्या शुरुआत बच्चों से ही करने की जरूरत है, क्या स्कूलों में इस तरह के अभियान चलाए जाने की जरूरत है? बिल्कुल हिमांशु भाई, आप ठीक कह रहे हैं, हमारा जो अभियान है या कोई भी अभियान है वो उसकी शुरुआत बच्चों से इसलिए करनी पड़ रही है कि जो लोग अब इसके आदि हो चुके हैं या एक उम्र तक पहुंच चुके हैं उनको तो समझाना ही केवल एक हमारा हो सकता है, परिवार को हम कह सकते हैं, लेकिन इस पीढ़ी को हम बचा सकते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है वो, तो हमारा जो कार्यक्रम है वो प्रमुख रूप से हम लोग स्कूलों में ही चलाते हैं, सारे बच्चों को कैसे जागृत करें, और विशेष रूप से सरकार ने कानून बनाया कि उन बच्चों की सुलभता से थोड़ा दूर हो तंबाकू, 100 गज की दूरी पर तंबाकू ना हो, इसके सारे प्रयास कानून बनाए गए, लेकिन वो कहीं कहीं नहीं दिखता है, तो हम लोग उनको काउंसलिंग करके दुकानदार को और कैसे कोशिश करते हैं कि वो 100 गज से दूरी पर हो, और बच्चों को उसके बारे में कि भाई एक नियम है उसको बताते हैं कि किसी तरीके से ना नाबालिग बच्चा बेचे, ना आप नाबालिग बच्चे को बेचे, ना अपनी दुकान पर आप ऐसी चीजें रखें जो बच्चे को आकर्षित करें, और ना ऐसी चीजें बच्चा यहाँ लेने आए जिससे आपकी और चीजें भी खरीद सके। स्कूल में शिक्षकों को और प्राचार्य को समझाते हैं कि आप यहाँ पर कोई ऐसा वातावरण, आपके गुरुजनों में कोई अगर ऐसा करता हो तो आप उसको भी काउंसलिंग करके उससे वो करें। बच्चों को बचाना या युवकों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि वो एक बड़ा हमारे लिए भावी, हमारा देश का भविष्य वही है, भविष्य वही है। और विनोबा जी ने तो कहा था कि अगर ऐसे कोई कार्यक्रम चैलेंजिंग लिए जाएं जिनमें जरूरत हो, चुनौती भरा कार्यक्रम हो, जैसा आप कह रहे हैं कि तंबाकू एक बहुत बड़ा, तो इस अभियान को हम जो शुरू किए जब से, तो बाबा कहते थे 5 शक्तियां हैं, हमारा हाथ दिखा करके कि सबसे बड़ी जनता की शक्ति, ठीक है, इसकी बिना सहयोग के नहीं होगा। दूसरा ये विद्वत जन शक्ति है, डॉक्टर साहब जैसे लोग कल वहां कितना मेडिकल कॉलेज में लोग हैं। तीसरा महाजन शक्ति है, क्योंकि उसके लिए कार्यक्रम जो होते हैं उनके लिए कहीं कहीं संसाधनों की भी जरूरत पड़ेगी। फिर सज्जन शक्ति है, ऐसे लखनऊ में तमाम स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक लोग हैं उनको भी हम जोड़ते हैं। और पांचवी है सरकार की शक्ति,
सबसे बाद में हम सरकार को कहते हैं कि जो कानून बने हैं उनका आप परिपालन करा दें या कुछ कानून और बना दें, जिससे जैसे हमने नगर निगम को कहा है कि अगर आप दुकानों को लाइसेंस दे दें तो शायद इसकी सुलभता कम हो जाएगी। अगर लाइसेंस पर केवल नियम होगा कि यहां पर केवल तंबाकू ही बिकेगी, टॉफी और कैंडी नहीं बिकेगी, तो ये बहुत बड़ी बात, दूरी तय होगी कितनी दूर पर दुकान होगी, तो शायद सबको सरलता से नहीं मिलेगी। तो ये चीजें बनवाने का काम है और दूसरा समाज को उसके बारे में जागरूक करने का काम है। हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं जाकर के, एक कार्यालय में देखा कि एक भाई जी तंबाकू लेते हैं तो हम लोग चुपचाप नोट कर लाए हमारा साथी, और उसको बाद में जब वो निकलता है 5 बजे तो उसके साथ दूर तक जाता है हमारा साथी और उसको समझाता है कि आपने जो आज तंबाकू खा रहे थे तो क्या आप कब से खा रहे, कैसे खा रहे, उसे दोस्ती कर ली और बाद में उसको दुष्परिणाम बताकर अगर वो छोड़ता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और उसी के तरीके से हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को, युवाओं को बचाने का हमारा पहला प्रयास होगा, फिर समाज में कोई भी तंबाकू खाता है तो वो देश के लिए या समाज के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं, लाखों की संख्या में जो लोग मर रहे हैं उसे बचाने की हमारी आज वो है। इसीलिए तंबाकू मुक्त लखनऊ अभियान, लखनऊ के सभी वार्डों में जाकर के डोर टू डोर भी प्रचार कर रहा है और स्कूलों में भी कर रहा है, पार्षदों को तक जागृत कर रहा है और संस्थानों को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित करा रहा है कि अगर कोई कार्यालय और संस्थान में भी होता है तो अच्छी बात नहीं है, जैसे स्वास्थ्य के सारे संस्थान तंबाकू मुक्त घोषित हों, इसका प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं जगह जगह। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी है कि जो तंबाकू हम खाते हैं या जिस तरह से मसाला खाने की लोगों की आदत है, तो थूकने की भी बहुत आदत है। एक आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, आप दीवारें रंगी मिलेंगी। अभी एक रिपोर्ट हाल ही में आई थी जिसमें हावड़ा ब्रिज पे दिखाया गया कि जो उसके लोहे के एंगल है वो गल रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। इससे जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट हो जाते हैं या भी इस तरह के होते हैं, जब स्लाइवा उनका जमीन पर पड़ता है तो आसपास का वातावरण भी गंदा करता है, स्वास्थ्य को हानि होती है। क्या क्या समझते हैं इसको देखकर? देखिए, जैसा कि मैं कहता हूं कि तंबाकू का अंजाम मौत का पैगाम। जी, तंबाकू खाने वाला तो वो तो खुद पीड़ित होता है, वो अपने परिवार को पीड़ित करता है। इसका उदाहरण मैं इस तरह से देता हूं, जैसे मैं तंबाकू सिगरेट पी रहा हूं, ठीक है, तो मैं तो पी रहा हूं, अपने बच्चे को प्रेरित कर रहा हूं पीने के लिए, अपने पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने परिवार में जो रहते हैं उनको मैं पैसे भी स्मोकिंग करा रहा हूं, और समाज में जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको मैं प्रेरित कर रहा हूं। इसके अगर मैं तंबाकू खाता हूं तो फिर यही चीज सब में करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि तंबाकू या पान मसाला पान खा करके थूकने की आदत होती है, आप ये देखते हैं कि इसमें जब लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो इनमें सलाइवेशन बढ़ जाता है, मतलब उनके मुंह में थूक ज्यादा बनता है, तो वो जगह जगह थूकते हैं, तो वो हर तरह की चीजें जो है, इवन वो लोग जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जहां रहते हैं वहीं थूकना शुरू कर देते हैं। और जैसे इस तरह के जो पेशेंट हो जाते हैं तो उनमें तमाम, जैसा कि हमने बताया कि संक्रमण अधिक रहता है, अगर संक्रमण अधिक है तो वो जगह जगह थूकेंगे तो उनका संक्रमण पूरे वातावरण में फैलता है, गंदगी होगी, सफेद दीवार हमारी रंग बिरंगी हो जाएगी, जहां रहेंगे वहां थूकेंगे, उनका थूक से जो उनके बैक्टीरिया जो वायरसेस होंगे वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैलते हैं और एक गंदगी का माहौल बन जाता है और दूसरे लोगों में संक्रमण का अत्यधिक खतरा बन जाता है। जैसा कि हावड़ा ब्रिज में किया तो जो उसमें भी यही हुआ कि उसमें थूक की वजह से जो है जंग लगना शुरू हुआ, आर्थिक नुकसान, भौतिक नुकसान, साथ साथ जो है बीमारी का प्रकोप। जानकारियों से मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत फायदा होगा। फिलहाल कार्यक्रम को हम यहीं पर देते हैं विराम, आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।